हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज इस वीडियो में मैं आपको 42 फीट बाय 75 फीट में बना हुआ प्लान का डिज़ाइन या फिर मैप दिखाना चाहता हूँ। आप शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो को। वीडियो को आप एंड तक आखिर कर देखिए तो आपके अंदर जो भी डाउट्स है वो 100% क्लियर हो जाएगा। एंड आने वाले समय में आपको इसी तरह से और सारे हाउस प्लान्स इस चैनल पर मिलते रहेगा। एंड एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल का आप सदस्य बनिए और हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने का कोशिश जारी है हमारी, तो आप भी उससे हमारी मदद कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। तो देखिएगा, ये एक वीडियो सिंपल सी प्लान है, जैसे कि सामने से जगह छोड़ी गई है कार पार्किंग के लिए, या फिर ये किसी और के लिए बेचा गया है, या फिर जो है अपने अपनों के ही कुछ डिवाइड पार्टीशन हुआ होगा मेरे ख्याल से, इसलिए पूरा जितना भी या फिर ओल्डर पार्ट है उसको अब डिवाइड होने के बाद ये सेपरेट मिला है उनको। इस तरह से एक प्लान बनाया गया 42 फीट यानी कि 42 फीट बाई 75 फीट में बना हुआ है। एंड यहाँ से एंट्रेंस है, ग्राउंड फ्लोर का प्लान एंट्रेंस दी गई है। सामने जो है पोर्च आ जाएगा, यानी कि आपका कार पार्किंग व्हीकल पार्किंग के लिए पोर्च लिया जाएगा। और यहाँ पर दो राउंड कॉलम आए तो और खूबसूरत दिखता है देखने में। पोर्च का साइज़ लगभग आपको 10 6 बाय 13 फुट में मिल रहा है यहाँ पर पोर्च। फिर उसके बाद देखिएगा ये एक हॉल, हॉल का साइज़ लगभग आपको 13 बाय 15 फुट में हॉल मिल रहा है। इसके लिए एंट्रेंस इस तरह से दी गई है। फिर देखिएगा यहाँ से एंटर हो गया पैसेज एरिया। ये पैसेज है मतलब वहाँ पे आपको सफिशेंट जगह मिल जाएगा। यहाँ पर है किचन, किचन का साइज़ आपको 10 6 बाय 11 फुट तक 6 मिल रहा है। हेलो, तो इस तरह का एक प्लान है। यहाँ पर पैसेज, इधर एक बेडरूम। सो बेडरूम का साइज आप लगभग 13 फीट बाई 10 फीट तक मिल रहा है। और पीछे की तरफ एक डोर है, तो उस डोर डोर का साइज आप ले सकते हैं 3 फीट 3 इंच। वॉल का साइज ले सकते हैं 9 इंच तक। एंड पीछे देखिएगा यहाँ पर पूरा खुला जगह छोड़ेगा, इनके पास काफ़ी जगह है तो पीछे भी जगह छोड़ेगा, गार्डनिंग पर्पोज ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। फिर इसी पैसेज से यहाँ पर जा सकते हैं। बेडरूम का साइज़ आपको 19.4 बाई 10 फीट तक मिल रहा है, तो बेडरूम का भी काफ़ी सफिशेंट जगह है। और यहाँ पर एक वेंटिलेटर दे सकते हैं, विंडो दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक विंडो और कबर्ड शेल्व जो है इस तरफ बना लीजिएगा, ताकि यहाँ से इधर आने वाले लोगों के लिए कोई दिक्कत ना हो सके। और देखिएगा ये पैसेज एरिया, यहाँ पर डब्ल्यू सी है 3 फीट बाई 3 फीट 6 इंच का एक डब्ल्यू सी। एंड यहाँ पर एक बाथरूम है 7 फीट बाई 6 फीट में एक बाथरूम लिया गया। ये आपका किचन, किचन का साइज़ आपको मिल रहा है यहाँ पर 10 फीट 6 इंच बाई 11 फीट तक मिल रहा है किचन का साइज़, जो कि अच्छा और सफिशेंट है कंफर्टेबल वे में। मतलब यहाँ पर आप चाहे तो एक पूजा रूम भी बना सकते हैं। मेरे ख्याल से ईस्ट फेस का है, तो साउथ ईस्ट कॉर्नर पर जो है किचन बनाया गया। एंड यहाँ पर पूजा रूम और उसके साथ ही यहाँ पर छोटा सा एक कई कम से कम हम नीचे बैठ को तो खाना खा सकते हैं ईजीली, मतलब लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो यही था इस वीडियो में। एंड और भी आपको इसी तरह से बेहतरीन वीडियोस हम देने की कोशिश ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। इन फ्यूचर में आपको और बेस्ट प्लान्स मिलेगा। आपके पास भी कोई प्लान्स है तो सेंड कर दीजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर 8095615113, इस पर आप सेंड कर दीजिए तो हमें ऐसे ही हम आपको प्लान का रिव्यू जरूर कर देंगे। सो यही था इस वीडियो में। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती समय देखिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखे हैं। एंड थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। और देखिएगा ये दूसरा वाला पोर्शन, इनको एंट्रेंस यहाँ से दी गई है। इधर एक हॉल लिया गया, बीच में बाथरूम डब्ल्यू सी और पैसेज एरिया, यहाँ पर किचन, इधर एक बेडरूम लिया गया कोने में, तो अच्छी तरीके से लिया गया। सो अगर रो हाउस बनाना है, सिंगल एक घर बनाना है, तो किचन जो है यहाँ पर दिए तो और सही रहेगा, बेहतरीन रहेगा।